हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आई एम उर्मिला मैम फ्रॉम आइकॉन स्कूल जीजीसी। तो गाइस, आज हम पढ़ेंगे 8th क्लास सब्जेक्ट हिंदी लेसन नंबर 18 और लेसन का नेम है टोपी। इसके लेखक है सरंजे। इसमें दो गोरैया हैं, चिड़ियाएं, और उस कपड़ों के ले कपड़े जो वस्त्र होते हैं उनको लेकर इन दोनों में बहस हो रही है, अर्थात चर्चा हो रही है। तो इस पाठ के माध्यम से बताया है। एक थी गौरैया, गौरैया यानी चिड़िया, और एक था गौरा नर। गौरैया चिड़ा और चिड़ी की कहानी है इस पाठ में। दोनों एक दूजे के परम संगी थे, और दोनों क्या थे, एक दूजे के एक दूसरे के परम संगी थे, परम मित्र थे। जहां जाते जब जाते और साथ जाते, और जहां भी वो कहीं जाते साथ रहते, साथ हंसते साथ रोते, और साथ वो हंसते और साथ ही रोते, एक साथ खाते पीते एक साथ सोते, और वो दोनों एक साथ खाना खाते एक साथ सोते, बिनसार होते खोते से निकल पड़ते, और जैसे बिनसार सवेरा होता प्रातः काल का होते ही वो खोते से अर्थात घोंसले से निकल पड़ते, वो घोंसले से निकल जाते, दाना चुगने और झुटपुटा होते खोते में घुस आते, और दाना निकल पड़ते दाना चुगने के लिए, वो दाना चुगने के लिए और झुटपुटा जो शाम का हल्का हल्का अंधेरा होता उसके पहले वो खोते में आ जाते, अर्थात वो अपने घोंसले में आ जाते, थकान मिटाते और सारे दिन के देख सुनने में हिस्सेदारी बटाते, और वो अपनी थकान मिटाते दिन भर की घूमने की और इससे जारी अपनी आपस की बातें करते। एक शाम गौरैया बोली, और एक शाम का समय था, गौरैया बोली, चिड़िया बोली, आदमी को देखते हो कि आप आदमी को देखते हो, कैसे रंग बिरंगे कपड़े पहनते कि आदमी को देखा है, मनुष्यों को कैसे रंग बिरंगे कपड़े पहनते हैं, कितना फपता है, और ये कपड़ा उनके ऊपर कितना फपता है, कितना जचता है, उन पर कपड़ा कितना अच्छा लगता है, खाक फपता है। तो गौरैया कहता है क्या खाक फपता है, क्या अच्छा लगता है। गौरा तपाक से बोला, गौरा जो चिड़ा था वो जल्दी से बोला, कपड़ा पहन लेने के बाद तो आदमी को और बदसूरत लगने लगता है। तो वो कहता है कि कपड़ा पहनने के बाद तो जो आदमी होते हैं वो बदसूरत लगने लगते हैं, अर्थात बुरे दिखाई देते हैं, लगता है आज लठजीरा चुग गए हो, गौरैया बोल पड़ी। और जो गौरैया चिड़िया थी वो बोली, लठजीरा जो एक तरह का पौधा होता है तो उसके लिए बोलती, हो सकता है ऐसा लग रहा है, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि आपने लठजीरा चुग लिया है, अर्थात लठजीरा खा लिया है। कपड़े पहन लेने के बाद आदमी की कुदरती खूबसूरती ढक जो जाती है, तो वो जो गौरैया था चिड़ा वो कहता है कि आदमी की जो कुदरत की जो खूबसूरती दी है, सौंदर्य दिया है, वो ढक जाता है, अर्थात वो दिखाई नहीं देता। गौरा बोला, चिड़ा बोला, अब तू ही सोच, अब तुम ही विचार करो, अभी तो तेरी सुगड़ काया का एक एक कटाव मेरे सामने है। तो वो कहता है कि अभी तो जो तुम्हारी सुगड़ काया है उसका एक एक कटाव मेरे सामने, रोवे रोवे की रंगत मेरी आंखों में चमक रही है। अब अगर तू मानुष की तरह खुद को सरापा ढक ले तो तेरी खूबसूरती ओझल हो जाएगी। तो वो कहता है, चिड़ा कहता है कि अगर तू मनुष्य की तरह खुद को सरापा सिर से लेकर पैर तक ढक ले तो तेरी खूबसूरती ओझल हो जाएगी, अर्थात तेरी खूबसूरती दिखाई नहीं दी जाएगी। कपड़े केवल अच्छा लगने के लिए नहीं, गौरैया बोली कि कपड़े इसलिए नहीं पहना जाता केवल अच्छा लगा जाए, मौसम की मार से बचने के लिए भी पहनता है आदमी, और इससे मौसम की मार से बचने के लिए भी पहना जाता है, तू समझती नहीं। गौरा बोलता है चिड़िया से कि तुम समझती नहीं है, कपड़े पहन कर जाड़ा गर्मी बरसात सहने की उनकी सकत भी जाती रही है, अर्थात जो चिड़ा है वो कहता है कि कपड़े पहनकर इंसान जाड़ा जो सर्दी गर्मी और बरसात का जो मौसम है उसको सहने की जो सकत शक्ति है वो भी जाती रही है, अर्थात मौसम के अनुसार कपड़े पहनते हैं तो वो मौसम की मार से भी बच जाते हैं, तो ये भी सकत ये शक्ति भी इंसान की जाती रही है, सहन नहीं कर पाता है वो, इसलिए वो कपड़े मौसम के अनुसार कपड़े
पहनता है और इस कपड़े में बड़ा लफड़ा भी है और इस कपड़े में बड़ा लफड़ा है, उलझन है। कपड़ा पहनते ही पहनने वाले की औकात का पता चल जाती है, और जैसे कपड़े पहनते हैं तो कपड़े पहनने वाले की औकात का पता चल जाता है, उसकी हैसियत का पता चल जाता है कि इंसान कैसा है। आदमी आदमी की हैसियत में भेद पैदा हो जाता है और आदमी आदमी की हैसियत में बराबरी में भेद पैदा हो जाता है, अर्थात कपड़ों से भी इंसान का पता चल जाता है कि इसकी कितनी हैसियत है। फिर भी आदमी कपड़ा पहनने से बाज नहीं आता, और फिर भी क्या है, ये आदमी ये मनुष्य है कपड़े पहनने से बाज नहीं आते, अर्थात फिर भी ये कपड़े पहनते हैं। गौरैया बोली, गौरैया बोली, नित नए नए लिबास सिलवाता है और नित रोजाना नए नए लिबास नए नए कपड़े सिलवाता है। ये निरा पोगापन है, ये निरा पोगापन है, अर्थात ये इसकी बेवकूफी है। गौरा बोला, आदमी तो लिबास से फकत लाज ही नहीं ढकता, कि आदमी तो लिबास कपड़ों से फकत लाज ही शर्म ही नहीं ढकता। हाथ पैर जो चलने फिरने काम करने के वास्ते हैं, जो हाथ पैर होते हैं हमारे जिनसे हम चल फिर सकते हैं और काम करते, वे भी वास्तव में उनको भी ढक लिए जाते, उन्हें भी दस्ताने और मोजे से ढक लिया जाता है, अर्थात उन पे भी दस्ताने और मोजे पहन लिए जाते हैं। सिर पर लटे सिर पर जो बाल हैं उन्हें भी टोपी से ढक लिया जाता है और उन्हें भी टोपी लगाकर ढक लिया जाता है। अपन तो नंगे ही भले, तो चिड़ा बोलता है अपन तो नंगे ही भले, अर्थात बिना कपड़ों के ही अच्छे हैं। उनके सिर पर टोपी कितनी अच्छी लगती है, तो चिड़िया कहती है कि उनके सिर पर जो टोपी होती है वो कितनी अच्छी लगती है। गौरैया बोली, मेरा भी मन टोपी पहनने का करता है, तो वो बोलती है कि मेरा भी मन है वो क्या करता है, टोपी पहनने का करता है। टोपी तू पाएगी कहाँ से, तो वो बोलता है कि टोपी तू कहाँ से पाएगी, अर्थात तुझे टोपी कहाँ से मिलेगी। गौरा बोला, टोपी तो आदमियों का राजा पहनता है, कि टोपी तो जो आदमी है मनुष्य है उनका राजा पहनता है, जानती है एक टोपी के लिए कितनों का टाट उलट जाता है, अर्थात तुम जानते हो कि एक टोपी के लिए टाट यानी सिर उलट जाता है। जरा सी चूक हुई कि टोपी उछलते देर नहीं लगती, और जरा सी भी अगर चूक हुई भूल हुई तो टोपी उछलते देर नहीं लगती। अपनी टोपी सलामत रहे इसी फिक्र में कितनों की को टोपी पहनानी पड़ती है, और जो बड़े बड़े लोग हैं वो अपनी सलामती रखने के लिए कितनों को टोपी पहनाते, अर्थात मान सम्मान की बात कही है इसमें, कि कितनों को अपनी सलामती बनी रहे इसलिए कितनों को टोपी पहनानी पड़ती है। मेरी मान तू इस चक्कर में मत पड़, तो वो कहता है चिड़िया से कि मेरी बात मान और तू इस चक्कर में मत पड़। गौरा था तनिक समझदार और जो चिड़ा था वो तनिक थोड़ा समझदार था, इसलिए शक्की और इसलिए वो शक्की था, संकालु स्वभाव का था, जबकि गौरैया थी जिद्दी और धुन की पक्की, और जो चिड़िया थी वो क्या थी, जिद्दी थी अपनी जिद मनवाने और धुन की जो भी सोच लिया उसको करने की पक्की थी, पक्का इरादा वाली थी, ठान लिया सो ठान लिया, जो मन में बात कर ली वो कर ली, उसको पूरा करके ही रहेगी, उसको ही जीवन का लक्ष्य मान लिया, और उसी को क्या कर लिया उन्हें, जीवन का लक्ष्य अपना लक्ष्य मान लिया। कहा गया जहाँ जहाँ चाहे वही राय, और ये कहा गया कि जहाँ चाहे अर्थात हम जिसके लिए चाह अपनी चाह रखते वही हमारी राय वही हमारी रास्ता है। मालूम है मामूल के मुताबिक अगले दिन दोनों घूरे में चुगने निकले, और अगले दिन क्या हुआ, घूरे में कूड़े के जो ढेर होते हैं उसमें चुगने के लिए वो दाने के लिए निकले। चुगते चुगते उसे रुई का एक पहा मिला, और चुगते चुगते क्या हुआ, जैसे दाना चुग रही थी उसे रुई का एक पहा मिला, मिल गया मिल गया, तो वो चिल्लाई मिल गया मिल गया। गौरैया मारे कुसी के घूरे में लौटने लगी, और गौरैया क्या करी, कुसी के मारे बहुत खुश हुई और उस ढेर में वो लौटने लगी। अरे क्या मिल गया, अरे गौरे ने चिहा कर पूछा, और जो चिड़ा था उसने जोर से चिल्ला कर पूछा कि तुम्हें क्या मिल गया, मिल गया मिल गया टोपी का जुगाड़ मिल गया, तो चिड़िया कहती है मिल गया मुझे टोपी का जुगाड़ मिल गया। गौरैया ने गौरे के सामने रुई का पहा धर दिया, और जो वो चिड़ा था चिड़िया थी उसने क्या किया, चिड़िया के सामने रुई का जो पहा मिला था उसको उसके सामने रख दिया। तेरे जैसा ही एक बावरा था,
तो वो उसको कहानी सुनाता है कि तेरे जैसा एक बावरा था, एक पागल था। गवरा बोला, रास्ता चलते चलते उसे अचानक एक दिन बड़ा पड़ा हुआ चाबुक मिल गया। और क्या हुआ कि रास्ते में चल रहा था तो चलते चलते अचानक एक दिन क्या हुआ कि उसे चाबुक मिला। एक चाबुक होता है जिसे घोड़ों को चलाया जाता है। तो चाबुक था बड़ा उम्दा, और जो चाबुक था वो बड़ा उम्दा, बेहतर, अच्छा था और लचकदार, और उसमें लचीलापन था। किसी घुड़सवार के हाथ से छूट कर गिर गया होगा। हो सकता है ये कैसे मिला है, क्योंकि हो सकता है कोई घुड़सवार जो घोड़ा पे सवारी कर रहा था उससे हाथ से छूट कर वो गिर गया और इसे मिला। चाबुक हाथ लगते ही वो बावरा चीखने लगा, और जैसे उसे चाबुक मिला तो वो बावरा चीखने लगा, चिल्लाने लगा, चाबुक तो मिल गया कि मुझे चाबुक तो मिल गया, बाकी बचा तीन घोड़ा, बाकी अब क्या बचा है, तीन घोड़ा, लगाम और जीन। अब तो घोड़ा, लगाम और जीन बाकी है, वो भी मुझे मिल जाए। अब ये तीनों तो रास्ते में पड़े मिलने से रहे, अब ये तीनों थोड़ी रास्ते में मिल जाएंगे। सब काम धंधा छोड़ वो बावरा ता उम्र ये रटता रहा, और सब काम धंधा करना छोड़ दिया और ता उम्र पूरी उम्र रटता रहा, इसी बात का गुणगान करता रहा, बाकी बचा तीन घोड़ा लगाम जीन। और वो यही रटता और घूमता कि बाकी बचा तीन घोड़ा लगाम और जीन। गवरा उसे समझाते हुए बोला, और गवरा चिड़ा उसे समझाते हुए बोला, इस रुई के पाए से लेकर टोपी तक का सफर तुझे कुछ आता पता है कि ये जो रुई का पाहा मिला है उससे लेकर टोपी बनेगी वहां तक का जो सफर है वो तेरा समय है उसका कुछ तुझे आता पता है, उसके बारे में कुछ पता है, बस देखते जाओ। तो वो कहती है चिड़िया, बस तुम तो देखते जाओ, अब कैसे बनती है टोपी, अब टोपी कैसे बनेगी इसके बारे में तो देखते रहो। गौरैया रुई का पाहा लिए एक दुनिया के पास चली गई, और गौरैया थी चिड़िया, वो रुई का पाहा लेकर एक दुनिया जो रुई को दुनता है उसके पास चली गई। बड़े मनोहार से बोली, और बड़े मनोहार प्रेम से बोली, दुनिया भैया इस रुई के पाहे को दुन दो, कि ये भैया आप मेरी ये जो रुई का पाहा है उसे भी दुन दो, अर्थात इसको साफ सुथरा कर दो। दुनिया बेचारा बूढ़ा था, और वो कैसा था, बुजुर्ग आदमी था, जाड़े का मौसम था और सर्दी का मौसम था, उसके तन पर वर्षों पुरानी तार तार हो चुकी एक मिजई पड़ी हुई थी, और उसका जो तन था, शरीर था, उस पर वर्षों पुरानी, जो बहुत साल पुरानी तार तार जो बिल्कुल फट चुकी थी, ऐसी मिजई पड़ी हुई थी। वो कांपते हुए बोला, तू जाती है कि नहीं, तो वो कहता है कि तू जाती है कि नहीं, देखती नहीं, अभी मुझे राजा जी के लिए रजाई बनानी, तो देख तुझे दिखाई नहीं देता कि अभी मुझे क्या करना है, राजा जी के लिए सर्दी का मौसम है तो रजाई बनानी है। एक तो यहाँ का राजा ऐसा है जो चाम का दाम चलाता है, जो क्या करता है, चाम का दाम चलाता है, अर्थात अपनी बात मनवाता है। ऊपर से तू आ गई फोकट की रुई धुनवाने, और ऊपर से तू आ गई फोकट की फ्री की रुई धुनवाने, उज्र ना करो भैया, अर्थात उज्र, उज्र का अर्थ है ऐतराज ना करो भैया। गौरैया बोली, गौरैया बोली कि तुम ऐतराज मत करो, मैं तुम्हें पूरी उजरत दूंगी, अर्थात मैं तुम्हें तुम्हारी पूरी उजरत मेहनताना दूंगी, इसे दुन दो, तुम तो सिर्फ इसको दुन दो भैया, आधा तू ले ले, आधा मैं ले लूंगी, और क्या करूंगी, आधा तुम ले लेना इसमें से और आधा मुझे दे देना। दुनिया को अपनी जिंदगी में आज तक इतनी खरी मजदूरी कभी नहीं मिली थी, और जो दुनिया था, जो रुई को दुनाई करता था, उसको अपनी जिंदगी में आज तक इतनी खरी मेहनत की मजदूरी नहीं मिली थी। 16 आने में 8 आने मजदूरी। तो इसके लिए सपनाई थी, ये तो उसके लिए एक सपने के समान थी। वो झट तैयार हो गया, और वो जल्दी से तैयार हो गया। घर चो उसकी ताती बज उठी, और वो जो धुनाई की जो मशीन थी वो आवाज कर रही थी, घर चो तो इस तरह वो बज उठी। उसने बड़े मन से रुई धुनी, और उसने मन लगाकर रुई की धुनाई की, लो इसे, और फिर कहा लो इसे। उसमें से आधा दुनिया ने ले लिया और आधा गवरैया ने, उसमें से आधा उसने ले लिया और आधा उसको दे दिया। उससे उत्साहित होकर उत्साहित गवरा गवरैया एक कोरी के यहाँ गए, और उससे उत्साहित उससे खुश होकर जो गवरा गवरैया था चिड़ा चिड़ी वो एक कोरी के यहाँ गए।
और कहने लगे कोरी भैया इसी रुई दुनी रुई से सूत काट दो, जो सूत काट काटने वाले होते हैं कोरी, उससे कहा कि इस रुई से क्या करो सूत काट दो। कोरी की कमर झुकी हुई थी और उसकी कमर कैसी थी, झुकी हुई थी। उसने बदन पर धज्जी धज्जी हो चुका और उसका बदन धज्जी धज्जी टुकड़ा टुकड़ा हो चुका। एक गुस्सा दूसरा डाल रखा था और उसने एक ढेर लगा रखा था। वो बड़ी अनिच्छा से बिना इच्छा से बोला, तुम लोग यहाँ से भागते हो कि नहीं। वो बोला कि तुम लोग यहाँ से जाते हो या नहीं, देखते नहीं, अभी मुझे राजा जी के अचकन के लिए सूत काटनी है। और अभी मुझे क्या करना है, राजा जी की जो अचकन ऊपर का जो वस्त्र होता है पहनने का, उसके लिए क्या करना है, सूत काटना है। मुझे फुर्सत नहीं, मुझे समय नहीं मुफ्त में मल्हार गाने की, कि मुफ्त में बेकार में बिना पैसे की मल्हार, मल्हार एक तरह की राग होती है जो वर्षा ऋतु में गाई जाती है, तो मुझे मुफ्त की मल्हार गाने का कोई शौक नहीं है। भैया इस मुल्क में सब काम क्या राजा जी के ही हुआ करते, तो उसमें वो चिड़िया कहती है कि इस मुल्क में इस राज्य में सब काम क्या राजा जी की के लिए ही होता है। गवरैया अचरज से बोली, वो आश्चर्यचकित होकर बोली, तू किस मुल्क से आई है। तो वो उससे कहता है कि तुम कौन से मुल्क से आई हो, कौन से राज्य से आई हो। कोरी ने उस भर आंख देखा, और जो कौरी था उसने सूत काटने वाला, उसने उसे आंख भर देखा अर्थात अच्छे से देखा। जानती नहीं यहाँ का चलन, कि तुम जानती नहीं यहाँ का क्या चलन है। खट मरे बरदा बैठा खाए तुरंग, अर्थात खट मरे अर्थात काम काज करे बरदा बैल और बैठा खाए तुरंग, अर्थात काम काज करे बैल और बैठा खाए तुरंग, और घोड़ा है जो बैठकर खाता है। यहाँ सब काम राजा जी के नाम पर ही, यहाँ जितने भी काम होते हैं वो सब राजा जी के नाम होते हैं, राजा जी के लिए होता है, और सारा काम राजा जी के लिए ही होता है। राजा जी के लघुई भगुई भी तो बहुत हैं, और राजा जी के जो लघुई भगुई अर्थात जो उनके पीछे पीछे चलने वाले हैं वो भी तो बहुत हैं, इसी में उनका भी काम होता, और राजा जी के साथ साथ उनका भी काम होता है। मुकरो मत अर्थात अपनी बात से मत पलटो, भैया हम तुम्हें माकूल मुआवजा देंगे, हम तुम्हें पूरा मुआवजा देंगे, गवरैया बोल पड़ी। वह उससे बोली, इसे काट दो, बस तुम तो एक काम करो इसे काट दो, आधा तुम ले लो आधा मैं ले लूंगी, और ऐसा काम करो कि आधा तुम ले लेना और आधा मैं ले लूंगी। कोरी भी तैयार हो गया, और कोरी भी तैयार हो गया। इतनी वाजिब मजदूरी पर काम न करना मूर्खता होती, और इतनी वाजिब इतनी सही दाम में मजदूरी मिल रही है और उसको नहीं करेंगे तो ये मूर्खता होगी, अर्थात ये मूर्खपूर्ण काम होगा। तन करके उसकी कतली छरकी ताता थैया करने लगे, और जैसे जो सूत काटते हैं तो वो उसके धागे बुन रहे थे तो वो ताता थैया करने लगी। काफी महीन और लच्छेदार सूत काट दिए, और काफी महीन बारीकी और लच्छेदार सूत काट दिए उसने। कदम कदम पर मिलते कामगारों के सहयोग ने गवरैया को आगे बढ़ने पर उकसा दिया, और कदम कदम पर उससे जो कामगार थे काम करने वाले उनका सहयोग उनका सहारा मिला तो गवरैया आगे बढ़ने लगी। उसके बाद वे दोनों एक बुनकर के पास गए, और उसके बाद क्या, वो दोनों एक बुनकर जो बुनने वाला था उसके पास गए और इसरार करने लगे और उससे आग्रह करने लगे, बुनकर भैया इस कते सूत से कपड़ा बुन दो, कि इस जो सूत कटा हुआ है उससे क्या है कपड़ा बुन दो। बुनकर इन्हें अगभग होकर देखने लगा, अर्थात वो उन्हें देख अगभग आश्चर्यचकित होकर देखने लगा, हटते हो कि नहीं। तो वो कहता है कि तुम हटते हो या नहीं, देखते नहीं, अभी मुझे राजा जी के लिए बागा बुनना है, कि अभी मुझे क्या करना है राजा जी के लिए बागा वस्त्र तैयार करने, अभी थोड़ी देर बाद ही राजा जी के कारिंदे हाजिर हो जाएंगे, और अभी कुछ समय बाद ही कारिंदे जो राजा जी के यहाँ काम काज करते हैं वो हाजिर हो जाएंगे, अर्थात वो आ जाएंगे। साव करे भाव, भाव तो चबाव करे चाकर, अगर साव जो
चावल होते हैं वो अपना मोल करेंगे, तो जो चाकर काम करने वाले हैं वो क्या चबाएंगे, अर्थात वो क्या चबाएंगे। इतना कहकर बुनकर अपने काम में मशगूल हो गया, और इतना कहकर जो बुनकर था बुनने वाला वो अपने काम में मशगूल हो गया, अर्थात अपना काम शुरू कर दिया। इसे बुंदे भैया, तो वो कहने लगा अब इसे बुंदे। गवरैया ने सांस सजो संजो कर कहा, उसने अपने सांस मतलब अपने अंदर हिम्मत बटोर कर कहा, हम सेहत मेहत का काम नहीं करवाते, कि हम सेहत मेहत बिना पैसे दिए कोई काम नहीं करवाते। इसे बुंदे और आधा तू ले ले, और इसको बुंद और आधा आप रख लेना, आधा हम ले और आधा हम लेंगे। बुनकर ने देखा कि सौदा बुरा नहीं है, तो बुनकर सोचने लगा कि सौदा बुरा नहीं है, वो तैयार हो गया। और वो तैयार हो गया, सूत अपनी जोर खींच कर ताना बाना पसार दिया, और सूत ने क्या किया अपना जोर खींच कर ताना बाना अर्थात पसार दिया। उसका खरगा चलने लगा, और उसका खरगा जो सूत काटने का खरगा होता है वो चलने लगा, डर की लुढ़कने लगी, और जो वो धागे होते हैं वो डर की लुढ़कने लगी। थोड़ी ही देर में उसने काफी गफश और दबीज कपड़ा बुन लिया, और थोड़ा ही समय में गपस बहुत अच्छा और दबीज मोटा कपड़ा बुन लिया। आधा उसने उसने ले लिया और आधा इन्होंने, और आधा उसने लिया और आधा इनको दे दिया। गवरैया ने तीन चौथाई मंजिल पार कर ली, और इससे गवरैया ने क्या किया तीन चौथाई मंजिल पार कर ली, अर्थात आधी टोपी उसकी बन गई। कपड़ा लिए दिए वो एक दर्जी के पास जा पहुंची, और कपड़े लेकर वो एक दर्जी जो कपड़े सिलने वाला है उसके पास जा पहुंची। दर्जी भैया उसकी टोपी सिल दो, कि दर्जी भैया आप क्या करो इसकी टोपी बना दो, कि सकती हो कि नहीं यहाँ से। तो दर्जी कहता है कि तुम यहाँ से जाती हो या नहीं। दर्जी रोष से बोला, दर्जी गुस्से में बोला, देखते नहीं राजा जी की सातवीं रानी, राजा जी की जो सातवीं रानी से नौ बेटियों के बाद दसवां बेटा पैदा हुआ है, कि राजा जी की जो सातवीं रानी है उसके नौ बेटियों के बाद दसवां बेटा पैदा हुआ है। उस दश रतन अर्थात वो दसवें नंबर का जो बेटा है रतन बेटा, उसके लिए मुझे ढेरों झब्बे सिलने, अर्थात मुझे ढेरों बहुत सारे झब्बे छोटे बच्चों के जो झब्बे होते हैं वो सिलने हैं। दर्जी के माथे पसीना पोंछते हुए ठंडी आ ली, और दर्जी ने अपने माथे से पसीना पोंछा और ठंडी आ भरी। कुछ देना न लेना भर माथे पसीना, तो चिड़िया कहती वो कहता है कि कुछ लेना न देना और हमेशा सिर पर पसीना भरते रहो। हम तो भैया बेगार में कुछ करवाते नहीं, तो चिड़िया कहती हम किसी से बेगार में कुछ नहीं करवाते, बिना पैसे कुछ नहीं करवाते। गवरैया बोली इसे बुने कपड़े की टोपी सिल दे, इस बुने हुए कपड़े की टोपी सिल दो, बल्कि दो टोपियां सिल दे, और एक नहीं दो टोपियां बनाओ, एक तू ले ले और एक हम लेंगे, एक तो आप रखना और एक हम लेंगे। मुंह मांगी मजदूरी पर कौन मुझी तैयार न होता, और मुंह मांगी अपने मुंह से मांगे हुए मजदूरी दाम मिले तो कौन मुझी मुझी कंजूस तैयार नहीं होगा, अर्थात मुंह मांगी अगर मिलती है तो उसे कौन कंजूस तैयार नहीं होता है। कच कच उसकी कैची चल दी, और कपड़े को काटते हुए आवाज करती हुई कैची चल दी, उठी और चूहे की तरह सर सर उसकी रुई कपड़े के भीतर बराबर होने लगी, और जैसे ही तेजी से वो कपड़े के भीतर रुई रख के सिलने लगा। बड़े मनोयोग से उसने मन लगाकर उसने दो टोपियां तैयार की। खुश होकर दर्जी ने अपनी ओर से एक टोपी पर पांच फूंदने भी जड़ दिए, और टोपी से खुश होकर चिड़िया की और वो एक पांच फूंदने उसके मतलब कुछ पांच सितारे जड़ दिए लगा दिए। फूंदने वाली टोपी पहनकर तो गवरैया जैसे आपे में न रही, और फूंदने वाली टोपी पहनकर तो गवरैया आपे में नहीं अपने होश में नहीं रही। डेढ़ टांगों पर वह लगी नाचने फुदकने फुदक फुदक कर लगी गवरा को दिखाने, और वो अपनी टांगों पर नाचने लगी फुदकने लगी और चिड़े को दिखाने लगी। देख मेरी टोपी सबसे निराली पांच फूंदने, और वो कहती कि देखो मेरी टोपी सबसे निराली सबसे अलग है और उसमें पांच फूंदने लगे हैं, वाकई तू तो रानी लग रही है। तो उसमें चिड़ा कहता है कि वाकई
सच में तू तो रानी लग रही है। गौरे को भी आखिरकार कहना पड़ा, आखिरकार उसने भी ये कहा, रानी नहीं राजा कहो। तो वो कहती है, रानी नहीं मुझे राजा कहो, मेरे राजा। वो छड़े से कहती है कि रानी नहीं मुझे राजा कहो। गौरैया ऊंचा उड़ने लगी, गौरैया और ऊंची उड़ने लगी। अब कौन राजा मेरा मुकाबला करेगा? तो अब वो अपना मुकाबला किससे करने लगी? राजा से मुकाबला करने लगी। टोपी पहनते ही उसके मन में एक नए उलस ने जोर मारा, और टोपी पहनते उसके मन में एक नया सा उलस उल्लास सा हुआ कि क्यों ना इस मुल्क के राजा का एक बार जायजा लिया जाए, कि क्यों नहीं इस जो राज्य है उसका एक राजा है उसका जायजा, उसका बारे में जानकारी ली जाए, जिसके लिए इतने सारे काम होते, जिसके लिए इतने सारे काम होते। उड़ते उड़ते वो राजा के महल के कंगूरे पर जा बैठे, और उड़ते उड़ते उसने क्या किया, राजा का जो महल था, कंगूरे जो मुंडेर होती है उस पर जा बैठी। उसी वक्त राजा अपने चौबारे पर टहलुओं से खुली धूप में फुलेल की मालिश करवा रहा था। और उसी वक्त उस समय क्या कर रहा था, राजा अपना चौबारे जो छत के ऊपर खुले में चौबारा बना हुआ था, बिना दीवारों का चौबारा, उस पर टहलुओं नौकरों से खुली धूप, उसमें धूप आ रही थी और वो फुलेल की मालिश का तेल की मालिश करवा रहा था। राजा उस वक्त अध नंगा बदन और नंगे सिर था, और उस वक्त वह आधे वस्त्र पहन रखे थे और उनका सिर भी बिना टोपी के था। एक टहलुआ सिर पर चंपी कर रहा था और एक जो नौकर था वो क्या कर रहा था, सिर पर चंपी कर रहा था, सिर तेल से मालिश कर रहा था। दूसरा हाथ पांव की उंगलियां फोड़ रहा था, और दूसरा क्या कर रहा था, हाथ पैर की जो उंगलियां थी उनको चटका रहा था। तो तीसरा फीट पर मुक्की मार रहा था, और तीसरा जो फीट पर मुक्की मार कर मालिश कर रहा था। छोटा पिंडली पर गुद्दी काट रहा था, और छोटा जो पैरों के घुटने से नीचे की जो पैर होते पिंडली होती है उनकी गुद्दी काट रहा था, अर्थात उन पर मालिश कर रहा था। गौरैया कंगूरे से चिल्लाई और वो मुंडेर पर बैठकर चिल्लाई, मेरे सिर पर टोपी, राजा जी के सिर पर टोपी नहीं। तो वो कहती है कि मेरे सिर पर टोपी है, राजा जी के सिर पर टोपी नहीं है, राजा के सिर पर टोपी नहीं, राजा के सिर पर टोपी नहीं। मालिश करवाते राजा की नजर गौरैया से टकराई, और मालिश करवाते हुए राजा की नजर उस गौरैया चिड़िया से टकराई। गौरैया के सिर पर फूंदनेदार टोपी देकर उसकी अक्कल चकरा गई, और राजा ने जब चिड़िया के सिर पर ऐसी खूबसूरत टोपी देखी तो अक्कल चकरा गई, उसका सिर चकरा गया। वो तो लगातार रटे जा रही थी, और वो तो लगातार एक ही बात कहती जा रही थी, मेरे सिर पर टोपी, राजा जी के सिर पर टोपी नहीं, कि मेरे सिर पर टोपी है, राजा जी के सिर पर टोपी नहीं। अरे कोई मेरी टोपी लाओ, अरे कोई मेरी टोपी लाओ, जरा जल्दी लेकर आओ। राजा दोनों हाथों से अपना सिर ढकते हुए चिल्लाया, और राजा ने क्या किया, दोनों हाथों से अपने सिर को ढक लिया और जोर से चिल्लाया, टोपी आ गई। तो टोपी आ गई, राजा ने झट पहन ली, और राजा ने तुरंत उसको पहन लिया। देख रही फद बुद्धि, अर्थात फुदकने वाली, मेरी टोपी में पांच फूंदने, मेरी टोपी में पांच फूंदने। गौरैया ने अब दूसरा ही राग आलापना शुरू कर दिया। पहले तो टोपी टोपी कर रही थी, और राजा की टोपी देखकर कहती कि मेरी टोपी में देखो पांच सितारे लगे हुए, राजा की टोपी में एक भी नहीं, और राजा जी आपकी टोपी में तो एक भी नहीं है। मेरी टोपी में पांच फूंदने, राजा की टोपी में फूंदने नहीं, अर्थात मेरी टोपी में तो पांच फूंदने लगे हैं और राजा जी आपकी टोपी में तो कुछ भी नहीं लगा है। राजा को बेहद हेटी महसूस हुई, और राजा को बहुत ज्यादा शर्म महसूस हुई इस मुल्क के महाबली राजा के सामने एक चिड़िया की ये मजाक। राजा सोचने लगा कि इस जो ये राजा है, मुल्क है उसका, मैं महाबली शक्तिशाली राजा हूँ, और मेरे सामने एक चिड़िया की इतनी मजाल, इतनी हिम्मत। वो बुरी तरह बिगड़ गया, राजा को बहुत बुरा गुस्सा आ रहा था। इस फदगुद्दी की गर्दन मसल दो, तो उसने क्या आदेश दिया कि इस फदगुद्दी अर्थात खुदकने वाली जो चिड़िया है उसकी गर्दन मसल दो, अर्थात इसकी गर्दन तोड़ दो, फंकने नोच लो और इसके फंक नोच लो। सिपाहियों देरी ना करो, सिपाहियों जल्दी करो, इसकी देरी ना करो, क्षमा करे महाराज। तो सिपाही कहते हैं हमें क्षमा करें महाराज। मंत्री ने हाथ जोड़ दिए, मंत्री हाथ जोड़कर बोलता है कि महाराज क्षमा कीजिए, मच्छर मारकर हाथ क्यों गंदा करना, कि अर्थात मच्छर को मारकर हम अपने हाथ क्यों गंदा करें, इस छोटी सी चिड़िया को मारकर
अपने हाथ क्यों मेले कर रहे, अपने आप चली जाएगी, ये अपने आप ही यहाँ से चली जाएगी। तब राजा सिपाहियों से बोला, तब वो राजा था वो सिपाहियों से बोला, ये ऐसे नहीं मानेगी, इसकी टोपी छीन ले, छीन ले आओ, ये ऐसे नहीं मानेगी, जाओ इसकी टोपी लेके आओ, उसे मैं पैरों से ठोकर मारूंगा, और उस टोपी का क्या करूंगा, अपने पैरों में रखकर ठोकर मारूंगा। एक सिपाही ने गुलेल मारकर गौरैया की टोपी नीचे गिरा दी, और एक सिपाही ने क्या किया, गुलेल जो लकड़ी की बनी होती है, रबड़ लगा रहता है, तो उससे निशाना बांध कर क्या किया, उसकी टोपी को नीचे गिरा दी। तो दूसरी सिपाही ने झट वो टोपी लपक ली, और दूसरे सिपाही ने तुरंत वो टोपी को उठा लिया, राजा के सामने पेश कर दिया, और राजा के सामने उसे पेश किया, सामने रख दिया। राजा टोपी को पैरों से मसलने ही जा रहा था, राजा क्या कर रहा था, उस टोपी को अपने पैरों से मसलने जा रहा था, कर कुचलने जा रहा था। उसकी खूबसूरती देखकर दंग रह गया। तब राजा ने जैसे पैर बढ़ाना लगा उसको मसलने के लिए, तो टोपी की खूबसूरती देखकर वो दंग रह गए, आश्चर्यचकित रह गया। कारीगरी के इस नायाब नमूने को देखकर वह जड़ हो गया, और जो कारीगर ने इस नायाब बहुत खूबसूरती नमूना तैयार किया था उसको देखकर वह जड़ हो गया, वह शून्यता को प्राप्त हो गया। मेरे राज्य में मेरे सिवा इतनी खूबसूरत टोपी दूसरे के पास कैसे, और राजा सोचने लगा कि मेरा राज्य और मेरे सिवा, मेरे अलावा इतनी खूबसूरत टोपी दूसरे के पास कैसे पहुंची, अर्थात मेरे अलावा इतनी अच्छी टोपी दूसरे के पास कैसे पहुंची। सोचते हुए राजा उसे उलट पुलट कर देखने लगा, यही विचार करते हुए राजा ने उसे टोपी को उलट पुलट किया। इतनी नगीना टोपी इस मुल्क में बनाई किसने, और इतनी नगीना इतनी खूबसूरत टोपी इस राज्य में किसने बनाई, राजा के मन में ख्याल आया। तो राजा के मन में विचार आया, अब तो उस हुनरमंद कारीगर की खोज होने लगी, अब तो उस हुनरमंद इतना जो अच्छा बनाने वाला कारीगर था उसकी खोज होने लगी। राजा चाहे तो पता न चले, और राजा चाहे तब भी उसका पता नहीं लग रहा था। गिरते पड़ते दर्जी हाजिर हुआ, और गिरते पड़ते राजा की डर से दर्जी था कपड़े सिलने वाला, वो तुरंत वहां आया, और दुहाई अन्नदाता, और कहता दुहाई अन्नदाता, माफ करिए मुझे अन्नदाता, मेरे जीवन दाता, इतनी बढ़िया टोपी तुमने कभी हमारे लिए क्यों नहीं बनाई। तो कहता है कि इतनी अच्छी टोपी तुमने कभी हमारे लिए तो नहीं बनाई। मेघों की गड़गड़ाहट की मानिंद राजा की आवाज रही, और जिस तरह मेघों की बादलों की गड़गड़ाहट होती है उसी प्रकार राजा की भी आवाज, भारी आवाज में राजा ने दर्जी से कहा, दुहाई अन्नदाता क्षमा करिए, अन्नदाता जीवनदाता क्षमा कीजिए, हमें दुहाई नहीं। तो राजा बोलता है मुझे दुहाई नहीं चाहिए, मुझे वजह बताओ, इसका कारण बताओ। कपड़ा बहुत उम्दा था, तो कारीगर कहता है कपड़ा था वो बहुत उम्दा था, अर्थात तो कपड़ा बहुत बेहतरीन था, सरकार जो कपड़ा था वो बहुत ही अच्छा था, एकदम गफश और तबीज, एकदम अच्छा और तबीज मोटा था, ऐसा उम्दा कपड़ा किसने बुना। तो फिर कहता है कि ऐसा बेहतर कपड़ा किसने बना, बुना अर्थात इसकी बुनाई किसने की। नाग की मानिंद राजा फूक मारने लगा, और जिस तरह नाग फुकार मारता है वैसे राजा ने भी गुस्से में कहा। गिरते पड़ते बुनकर हाजिर हुआ, और फिर बेचारा बुनकर भी वहां आया, माफी बख्शे सरकार, वो बोलता है कि मुझे माफ कर दो सरकार, माफी नहीं वजह बताओ, मुझे माफी नहीं चाहिए, आप मुझे कारण बताओ। सूत बड़ा उम्दा था सरकार, तो वो कहता है बुनकर जो सूत था वो बहुत ही उम्दा था सरकार, एकदम महीन और लच्छेदार सूत था, इतना महीन सूत किसने काटा। तो फिर राजा कहता है कि इतना बारीकी सूत किसने काटा। शेर की मानी राजा ने दहाड़ मारी, और शेर के जैसे राजा ने गर्जना की। गिरते पड़ते कोरी हाजिर हुआ, और गिरते पड़ते जो कोरी था वो हाजिर हुआ। जान बख्शे महाराज, अर्थात महाराज मेरी जान को बख्श दो, जान नहीं वजह बताओ। तो राजा कहता है जान नहीं चाहिए मुझे, तुम्हारी वजह बताओ इसकी। रूही बड़ी बेहतरीन थी, तो वो कहता है जो रूही थी वो बड़ी बेहतरीन थी सरकार, एकदम बादलों की तरह धुनी हुई, एकदम जैसे बादल होते हैं उसकी तरह धुनी हुई थी, इतनी बेहतरीन रूही किसने धुनी। तो वो कहता है कि इतनी बेहतरीन जो रूही थी वो किसने धुनी, बिजली की तरह राजा की आवाज कड़की, और जिस तरह से बिजली कड़कती है
वैसी राजा की आवाज कड़की, हाँपते छाती पीटते दुहन दुनिया हाजिर रहापते, और अपने छाती को पीटते हुए जो दुहन नहीं आता रुई दुनने वाला वो वहाँ आया। खम्मा अन्नदाता, क्षमा करो अन्नदाता, खम्मा नहीं वजह बताओ, राजा गुस्से से कांप रहा था और राजा को इतना गुस्सा आ रहा था। तुम चारों ने मिलकर इस गौरैया का काम किया, तो राजा ने कहा कि अच्छा तो तुम चारों ने मिलकर इसका काम किया, हमारे लिए आज तक ऐसा काम क्यों नहीं किया, हमारे लिए आज तक तुमने ऐसा काम क्यों नहीं किया, आपके लिए भी किया है सरकार। तो वो कहते हैं सरकार हमने तो आपके लिए भी काम किया है। दुनिया ने जमीन पर लेटकर कहा आगे भी आपके लिए करेंगे सरकार। तो वो जमीन पर लेटता है, जमीन पर लेटकर और उससे कहता है कि सरकार आगे भी हम करेंगे, हमारे लिए अब तक जो काम हुआ है उसमें इतनी नफासत क्यों नहीं, कि हमारे लिए जो अब तक काम किया तुमने उसमें इतनी नफासत इतनी खूबसूरती क्यों नहीं थी, अभय दान दे। तो बोलू सरकार कि अगर आप मुझे जीवन दान दो, अभय दान यानी जीवन दान दो, तो मैं बोलू सरकार, मैं कुछ कहूँ। दुनिया बोला चलो दिया, तो राजा कहता है चलो आपको दिया। राजा बोले अब बताओ महाराज, इस गौरैया ने जो भी काम करवाया उसमें आधा हिस्सा दे देती थी, अर्थात ये जो भी काम करवाती उसमें आधा हिस्सा हम लोगों को देती, जिसके पास बहुत कुछ है, जिसके पास बहुत कुछ है वो कुछ भी नहीं देता। अर्थात राजा जी आपके पास बहुत कुछ है फिर भी आपने कभी हमें काम के बदले में कुछ भी नहीं देते हो। इसके पास कुछ भी नहीं था फिर भी ये आधा देती थी, और इसके पास तो कुछ नहीं था देने के लिए फिर भी ये आधा देती थी, इसलिए इसके काम में अपने आप नफासत आती गई, अर्थात इसके काम में अपने आप ही खूबसूरती आ गई। सरकार दुनिया दंडवत पर दंडवत किए जा रहा था, और दुनिया था वो दंडवत पर दंडवत, अर्थात लेट कर प्रार्थना कर रहा था। देख ले राजा, देख ले आंख में उंगली डालकर देख ले, तो कहता है कि आंख में उंगली डालकर देख ले, इसके लिए पूरे मोल चुकाए हैं। तो वो गौरैया बोलती कि अगर दिखाई नहीं दे रहा हो तो आंख में उंगली डालकर देख ले, इसके लिए मैंने पूरा मोल चुकाया है, अर्थात पूरा मूल्य दिया है, बेगार की नहीं है ये, मैंने बेगार की फ्री फोकट की नहीं है। गौरैया फिर चिल्लाने लगी, ये राजा तो कंगाल है, अर्थात ये राजा तो कंगाल है, इसके पास तो कुछ नहीं है, निरा कंगाल, पूरा से पूरा कंगाल है, इसका धन घट गया लगता है। और कहती कि इसका धन शायद घट गया, कम हो गया है, ऐसा मुझे महसूस हो रहा है। इसे टोपी तक नहीं जुड़ती, और इस पर ये टोपी तक नहीं जचती, तभी तो इसने मेरी टोपी छीन ली, तभी तो इसने क्या किया, मेरी जो टोपी है वो मेरे से छीन ली। राजा ने वाकई अकबका गया था, और राजा ये बात सुनकर बहुत ही हकबका गया था, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था। एक तो तमाम कारीगरों ने उसकी मदद की, एक तो जितने भी कारीगर थे उन्होंने सब ने उनकी मदद की, दूसरे इस टोपी के सामने अपनी टोपी की कम सूरती, और दूसरी बात की टोपी के सामने उसकी टोपी की कम सूरती, अर्थात कम अच्छी लग रही थी। तीसरे खजाने की खुलती पोल, और तीसरी बात क्या थी कि अपने जो खजाना है उसकी पोल खुल रही है। इस फाकी को कैसे पता चला कि धन घट गया, और राजा सोचने लगा चिड़िया ने तो ऐसे ही कहा था, फिर भी राजा को विचार आया कि इसको कैसे पता चला कि मेरा धन घट गया है। तमाम बेगार करवाने बहुत सख्ती से लगान वसूलने के बावजूद राजा का खजाना खाली रहता था, और वो बहुत ज्यादा बेगार करवाता, बहुत सख्ती से लगान लेता कठोर से कठोर, फिर भी उसका जो खजाना था वो खाली रहता था। इतना ऐशो आराम, इतनी लश्करी, इतनी लावाजमी का बोझ खजाना संभाले भी तो कैसे, और इतना ज्यादा ऐशो आराम से रहता था, इतनी लश्करी और इतनी फौज, इतने लहजवामी और इतने सारे काम काज करने वाले, तो खजाना भी कहाँ तक ये संभाले, अर्थात वो उनका भार नहीं सह रहा था, कमाई से ज्यादा खर्चा कर रहा था राजा, तो कहाँ से खजाना भरेगा, वो तो खत्म ही होगा। तमाम लोग निकल आए थे, और तमाम लोग थे वो बाहर निकल आए थे ये अनोखा तमाशा देखने निकल आए। मंत्री ने
पोले से कहा और मंत्री ने धीरे से कहा, यह मुंह फट तो महाराज को बेपरदाही करके दम लेगी। अर्थात मुंह फट जो मुंह पर बोलने वाले होते हैं महाराज को बेपर्दा, अर्थात ये महाराज की जितनी भी गुप्त बातें उनको आज तो करके ही दम लेगी, अर्थात ये सबको उजागर करेगी। राजा तो खुद घबरा रहा था और राजा तो इसके लिए घबरा रहा था, राजा को घबराहट महसूस हो रही थी। जड़ से बोल पड़ा, इसकी टोपी वापस कर दो। तो राजा सोचने लगा कहीं ये मेरे बारे में सब कुछ बता नहीं दे। तो वो तुरंत कहता है ऐसा करो इसकी टोपी वापस कर दो। सिपाहियों ने कहना माना और सिपाहियों ने तुरंत राजा जी का कहना माना। टोपी वापस कंगूरे की ओर हवा में उछाल दी गई और टोपी को वापस जहाँ पर मुंडेर पे बैठी हुई थी चिड़िया वहां पर उछाल दी गई। गौरैया ने फिर से टोपी पहन ली और गौरैया ने क्या किया, फिर से टोपी को पहन लिया। उड़ उड़ कर कहने लगी और वो उड़ उड़ कर कहने लगी, ये राजा तो डरपोक है, अर्थात ये राजा तो डरपोक है, बहुत डरने वाला है, नीरा डरपोक, बिल्कुल डरपोक, मुझसे डर गया और ये तो मेरे से डर गया। तभी तो इसने मेरी टोपी लौटा दी, तभी तो इसने क्या किया, मेरी टोपी लौटा दी। कौन इस मुंह फट के मुंह लगे, राजा जी बोलता है कि कौन इस मुंह फट के मुंह लगे, क्यों मंत्री जी, क्यों मंत्री जी, कहकर राजा ने अपनी टोपी कसकर पकड़ ली। तब राजा ने अपनी टोपी अपने सिर पर रख ली। क्वेश्चन नंबर 5 है, गौरैया और गौरा के बीच किस बात पर बहस हुई और गौरैया को अपनी इच्छा पूरी करने का अवसर कैसे मिला। तो इसका उत्तर है कि गौरैया और गौरा के बीच मनुष्य को लेकर, मनुष्य जो कपड़े धारण करते पहनते उसको लेकर बहस हो रही थी कि मनुष्य कपड़ों से कितने सुंदर लगते हैं। तो गौरैया को अपनी इच्छा पूरी करने का अवसर ऐसे मिला क्योंकि उसको एक रुई का पहा मिल गया था। क्वेश्चन नंबर 2 है, गौरैया और गौरे की बस के तर्कों को एकत्रित करें और उन्हें संवाद के रूप में लिखिए। तो ये क्वेश्चन आप अपने आप राइट करोगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, टोपी बनवाने के लिए गौरैया किस किस के पास गई, टोपी बनने तक के एक एक कार्य को लिखे। तो टोपी बनवाने के लिए गौरैया सबसे पहले तो दुनिये के पास गई, जो टोपी जो रुई को दुनता है। उसके बाद सूत काटने वाले कोरी के पास गई, उसके बाद वो बुनकर के पास गई और लास्ट में वो दर्जी के पास गई। क्वेश्चन नंबर 4 है, गौरैया की टोपी पर दर्जी ने 5 फूंदने क्यों जड़ दिए थे। तो गौरैया की टोपी पर दर्जी ने 5 फूंदने इसलिए जड़े थे क्योंकि टोपी को खूबसूरत बनाने के लिए उसको एक टोपी खुद को दर्जी को दी थी और एक अपने पास रखी थी, इसलिए वो खुश होकर उसकी टोपी पर 5 फूंदने जड़ दिए थे। ये चारों क्वेश्चन आपको राइट करना है, लर्न करना है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर।